काफ़ी दिक्कत है, मैं ऐसे वीडियो देख रहा था तो मैंने ब्लॉग भी बनाना है और बच्चों को अंडा भी खाना है, तो मैं जल्दी से गया मेरे को मोबाइल भी पकड़ लेते हैं क्योंकि बच्चों के वीडियो बनाता हूँ मैं, तो वीडियो बनाते बनाते हैं मैं अब इधर पास आ गया और इस स्काइप में इन्हें अंडा दिया है क्योंकि यही आ गया ही हुई है, तो अभी सील में भी देना है, सील की भी रूटीन है हमारे साथ देने की अंडा, तो इसका इनका भी खोल देते हैं हम और ये भी है सारी गंदी हुई है तो लेकिन वो देखिए वो ऐसे इधर से गंदी हुई है ये साइड से हुई है, ये ऊपर जो मुर्गियाँ बैठ जाती है ना ये गलत है, जब ये वॉश मतलब वो बिठकर करती है तो इनके ऊपर गिर जाती है ना, यहाँ से तो बहुत बुआ लग पड़ी है, अब बच्चियाँ 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 मुर्गियाँ मुर्गियाँ इनको नहीं निकलने देना था यार, तो ये तो बहुत उठती है, देखिए ये जब लड़ाई करते देखिए कैसे कर रहे हैं, डरा रहा है देख, वो तो ऐसे ही अपने कीड़े मकोड़े खाने लग पड़ी है, ये मुझे भी पढ़ सकता है, बिल्कुल भी ना कर ले, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ ताकि ये बाइक घूम फिर रहे हैं, बाहर भी इन्होंने कीड़े ही खाने होते हैं पता नहीं क्या, और तो ये मियाँ वाली नस्ल है काफ़ी अच्छी है, आज ये है हमारे बच्चे आज तुम लोगों को कुछ नहीं, तुम आज इस तरफ जाओ, जब इसकी फीमेल आ गई होती तब भी आ गई होती, बनने स्टैचू होता है, अरे घास ना खाओ घास खा ली दोस्तों, ये देखो ये जो दिन घास आता है, चलो तेरी फीमेल चलेंगे चलना, वो इसकी फीमेल है ये मेरे पास आया है, वो ये मुझे खाना खा रही है दीदी, इसको घास में खाना देना, बहुत मेहनत है इसको, ये आया है हम सारी पानी पीने लग पड़ी है, तो मारता रहता है ऐसे हर किसी को, जैसे ही है हर किसी को पड़ता है, इनको इधर भेज देते हैं, ये तेरा पानी में घूमेंगे ना ये साफ हो जाएंगे, इनका बस ऐसी है बाहर जाते तो चिक्कड़ में घुमाती हैं पता नहीं क्या करती रहती हैं, खुद आ जाती हैं ये घर की पक्की है, इसीलिए सील मुर्गी भी इनके साथ आ जाती है, और ये तो जो मज़े से खाना खा रही है जो हमारी ना पाल है, इनको वैसे कहते थे चाइनीज़ मुर्गी हैं, हैं भी चाइनीज़ मुर्गी, और चलो ना ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा अभी अंडे देने काफ़ी फिर इसमें थोड़ा सा तो मुझे कंफर्म ना अभी फिर मुर्गी मेरे ऐसे जल्दी को रखा है, मगर इसमें भी अभी अंडे देने हैं, तो मैं कल अंडा उठा लेते हम भी, ये किसका मार रहे हो कब हो रहे प्लाट नहीं खाएंगे तो हार डाल दे, ओह यूनिफॉर्म को लगा ऐसा कोई खाने वाली चीज़ है वो भाग गई इसकी तरह, तो अंडा वो पड़े मैं आपको दिखा देता हूँ, माशाल्लाह काफ़ी मोटी अंडे देते हैं, और सील मुर्गी का तो छोटा सा रहता है क्योंकि बच्चों का बच्चा छोटा होता है, वो बड़ा होता है चौड़ा होता है और मोटा काफ़ी होता है, तो मैं खुडे के अंदर जा रहा हूँ अब, तो मैं अंदर वाड़ तो नहीं सकता, अब आपको अंडा ही दिखा रहे तो ये अंडा, तो अंडा तो मैंने निकाल लिया, देखे काफ़ी माशाल्लाह से मोटा अंडा है, देख सकते हैं अभी आपको वीडियो में तो काफ़ी छोटा लग रहा होगा, जब आएगा हमारी सील मुर्गी का तो उसको इधर रखेंगे तो काफ़ी छोटा होगा आपको इतना सारा लगेगा, तो पहले हमने इस दीवार पर उधर से उठाई थी और ये बच्चियाँ फिर से यहाँ पे आ गए, तो इनको पहले बताता हूँ मैं नहीं मेरे नहीं पानी पीने के लिए, ये है पानी वाला जानवर जैसे मछली होती है ना पानी वाला जानवर, ये भी पानी वाला जानवर है, और मैं इन मिर्ची को उतारूँगी क्योंकि ख़राब हो रही है काफ़ी ज़्यादा,
और पे तो मिर्ची आ भी रही है। और ये हम आज हमने कल कल में पौधे लगाए थे, टमाटर तो मेरे हाथ से गया है, मतलब कुछ नहीं गया, बाकी जो पौधे वो हो रहे हैं जैसे मिर्ची है तो ये भी टमाटर गया, ये बस एक बड़ा टमाटर हो रहा है, बाकी सारे बहन है। तो आप चलते हो जान तुम बटन को छोड़ के तुम भी मुझे इसको हटाना पड़ेगा भाई, मेरे अंडा मैंने नीचे रख दिए थे, तो ये फुल सही सलामत है, अच्छी बात है। तो इसको अंदर दे के आता हूँ दोस्तों, अंडा तो मैं रखा है, मैंने डब का रुचा ही है अभी तक, और मैं इसको अंदर बड़े तेज में कर दिया, क्योंकि अगर इन डब के साथ छोड़ दो तो उनका दाना निकलेगा और इनमें भी एक्सपायर आ जाता, मतलब क्या फैल जाता, और हमारा घास भी मसाला से खाना शुरू हो गया, मेरे बच्चे यहाँ पर खा रही है, कितनी बार समझा है ना आया वो समझा। बिना फल चली गई मेरे हाथ से आगे, तो इनको भी आगे भेज देते हैं, तो ये जाए अब आगे फिर से थोड़ा बहुत। सील मुर्गी मरी वो भेज दिए, उसने फिर से आके अंडा देना है, फिर इसका काम खत्म होना है। तो आज मैंने गिने 4 अंडे हुए हैं मेरे हाथ से, एक ही से खाया होगा, पूछूँगा किसने खाया, मैं अब सील मुर्गी अंडा देगी तो 5 हो जाएंगे, एक किसी ने मुझे लग रखा है, तो देखते हैं क्या कहते, वैसे देते काफ़ी दिनों का अंडा दिए हैं, और ये हमारी वाइल्डर ना दे रही है अंडा ना देती हूँ, तो आज फिर जाके हम चेकिंग करेंगे, मैं भी मोबाइल का देख जाऊँगा। तो अभी मुझे कहता हूँ थोड़ा, तो मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जड़े यहाँ पर पत्ते भी लाए हैं, उसकी जड़ें वहाँ पर भी गई हैं, ये अच्छी बात हो गई है। तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद में कर के थका हूँ थोड़ा, चाबियाँ नहीं है क्योंकि बताने बाहर जाने हैं, तो बाहर थोड़ा खा पी आती हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती, तो चाबियाँ मुझे नहीं पता कौन सी है, मैं अंदाज़ी ले अंदाज़े से लगाता रहता हूँ, जाएंगे आराम से। और ये पता नहीं है कहाँ से बिल्कुल आ गया, पता नहीं कहाँ गया, चले और तुम भी जाओ, चलो 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 ऐसे इनको गलत जगह से जा रही है, वैसे इनको ठीक जगह से लेके जाते हैं। मैं तो मान लगा कि दोस्तों में बुला रही है, इसकी तो 3 दीदी, मैं इधर से थोड़ा इधर हो जाता ताकि ये चूचे चूजे जो हमारे निकल हैं, तो ये बहुत चलाक चूजे हैं, और ये कोई कूड़ा कोने वाले देसी नहीं है, ये दूसरी है, मतलब कि फार्मी है इसीलिए। और देखें अभी तक इन्होंने पहले हमारी खुद ही आ गई है, ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये हमारे घर की पक्की है। देखते हैं सील मुर्गी कब अंडा दे रही है, नहीं नहीं कुड़क तो नहीं है, भाजी भी अंडा दे दी है इंशाल्लाह। और इसका अंडा बच्चों का थोड़ा वाइट आता है, इसका थोड़ा क्या कहते हैं थोड़ा वो उससे अलग आता है, जो डब है अगर वो ना उड़ी तो पास रखती है, अगर उड़ गई तो आज़ाद ही होगी। और भी अंडे बच्ची दे दी, अब ये नहीं मुझे पता वो मेल है फीमेल, मेरे हाथ से अभी तक बोला नहीं है तो फीमेल ही होगी, क्योंकि जो हमारा मतलब वो डब बोलती है वो मेल होती है, मुझे नहीं बोलती वो फीमेल होती है। तो और अभी इन पर देखें आज जो ज़्यादा फूल आएंगे तो देखें, क्योंकि इन पर वो जो मोटे मोटे होते हैं वो ज़्यादा काफ़ी, ये तो पता नहीं क्या है इसको इनको इसलिए लगाया ताकि ये थोड़ी नीचे वाली लकड़ी जो छुप जाए, ये थोड़ी यहाँ से तो भी छुपा रहे हैं, देखो इतना घन है दिल तो करता है इनकी थोड़ी थोड़ी बना कर हर जगह पे लगा दो, थोड़ी इधर इधर लगा दो ताकि वो भी घने हो जाए, तो करेंगे कभी इसलिए भी जब हमारा ये गार्डन थोड़ा अच्छा भला होगा ना, मैं काट काट के ना ऐसे साइड साइड पर लगाऊंगा, फिर फूल प्यारा लग रहा है ना, गुलाब तो ऐसे साइडों पर लगा भी है, तो देखते हैं में कुछ अंडा देने वाली है। और हमारी ये ना पाल लिए एक की मेरे यहाँ से मिल लिए, बट है फीमेल खाना खा रही है, वो ये मेरी तरफ बार बार आ जाता है, इनसे भी बहुत डर लगता है, ये भी मुर्गा ही हो गया एक, वैसे बतखा है हमारा, बतखा है ना काफ़ी ज़्यादा आई है, कभी लाल ही काटेंगे वरना इन्होंने खराब हो जाना है। देखिए मुझे ये भी सारे
मैं पहले से नीचे गिर वो उठा लेता हूँ और मुझे इनको उठाने के बाद हाथ जरूर धो। दोस्तों मैंने गलती से गद्दा काट दिया, तो ये इसके साथ हरी मिर्च है तो कोई बात नहीं, मिर्ची है वैसे, इसको भी इधर रख देता हूँ। और एक मिर्च मेरी यहाँ पे गिर गई है, इसको बाद में उठा लूँगा अब मैं। तो दोस्तों ये देखिए अभी हम अपने रिंगनेक के बच्चे को फीड करवाने के लिए लेके आए हैं, और यार ये 2-3 दिन का तो हो गया है, और यार इसकी ना आईज़ भी खुल गई, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यार, ये देखें इसकी आईज़ खुल चुकी हैं, तो यार अभी इसको हम थोड़ी देर में फीड कराते हैं। देखें यार अब हम इसको फीड कराने पर ले आए हैं, और अभी हम इसको मेरे ख्याल से सिर रैक जैसे ही कुछ बना रहे हैं, और ये देखें चप 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 करके खा रहा है और खाता ही जा रहा है यार। और हमने अभी इसको एक टोकरी में डाला हुआ है, और मेरे ख्याल से ये 2-3 दिन से ऊपर हो गया, 4-5 दिन का है, तो यार ये बहुत माशाल्लाह से बड़ा हो गया। और ना अब मेरे ख्याल से अभी हम वापस इसको डोली में रखाएंगे, क्योंकि यार वहाँ पे इसको ठीक हीट मिलती रहती है, क्योंकि ना जो हमारे दूसरे तोते के बच्चे हैं ना, दो मेरे ख्याल से एक क्रीमिन और एक अल्बाइनो है, वो जो ना वो उसको भी इनक्यूबेट करेंगे ना जब अपने बच्चे को, तो इसको भी साथ साथ इनक्यूबेट करेंगे। तो अभी इसको हम और फीड करा रहे हैं, अभी इसका अभी इसकी पोट पूरी फुल तो नहीं हुई, मगर ये उसकी फोट फीड पूरी हो जाएगी।